Hello, my dear students. Today, I have brought some beautiful, fabulous words for you. मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत words लेकर आया हूँ. जो words के आखिरी में C-I-D-E है, वो C-I-D-E suffix है. इस suffix जो है indicating killing और killer. जैसे दांत को देखिए, इसमें बैक्टीरिया लगे हुए हैं. बैक्टीरिया दांत को ख़राब कर रहे हैं. इनको ख़त्म करना है तो बैक्टेरिसाइड्स का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने का केमिकल इस्तेमाल करना होगा. इसी तरह साइड्स लगाकर मैं बहुत सारे वर्ड बतला रहा हूँ, जिसे आप याद रखिए और देखते रहिए. पूरा आखिर तक वीडियो देखिए. पैट्रीसाइड, मर्डरर ऑफ वंस फादर, अपने पिता का अपने वालिद का कातिल, कत्ल, दोनों उसको कहते हैं पैट्रीसाइड. नेक्स्ट वर्ड मैट्रीसाइड, यानी कि मर्डरर ऑफ वंस मदर, अपनी माँ का कत्ल. उसके बाद में फैट्रीसाइड, मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई का कत्ल. कोई अपने भाई का कत्ल किया तो मैट्रीसाइड किया. ऑक्सोरीसाइड, मर्डरर ऑफ वंस वाइफ, अपनी बीबी के बीबी का करना, वो हुआ मैड, वो हुआ ऑक्सोरीसाइड, बीबी का कत्ल. ओके. फिलिसाइड, मर्डरर ऑफ वंस ओन डॉटर, अपनी लड़की को कत्ल करना, लड़की को मार देना, इसी को कहते हैं फिलिसाइड. ओके. साइड माने ही मौत है, यानी कि. फिर दूसरा वर्ड देखिए, सोरोरीसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग वन सिस्टर, अपनी बहन को कत्ल करना, उसको कहते हैं सोरोरीसाइड, बहन का कत्ल. होमीसाइड, देखिए नेक्स्ट वर्ड होमीसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, इंसानों का कत्ल करना, इसको कहते हैं होमीसाइड. नेक्स्ट वर्ड देखिए, एवेंचुअली साइड, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है. किलिंग ऑफ अंकल बाय हिज ओन नेफ्यू और नेस, अपने भतीजे और भतीजियों के जरिए अपने अंकल को कत्ल करना, इसी को कहते हैं एवेंचुअली साइड. नेक्स्ट देखिए, ए फैमिली साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मल्टीपल क्लोज फैमिली. किस लिए? इन ए क्विक सक्सेशन, जल्द से दौलत हासिल करेंगे, इसको कहते हैं फैमिली साइड. नेक्स्ट वर्ड देखिए, सुसाइड, टेकिंग वंस ओन लाइफ, अपने आप जहर खा के किसी पानी में कूद के मरना, उसको कहते हैं सुसाइड. यहां पर भी खत्म. नेक्स्ट, रेजिसाइड, मर्डरर ऑफ किंग, जो मारता है किंग को, किसी बादशाह को, उसको कहते हैं रेजिसाइड. नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड, मर्डरर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट, अभी नवजात शिशु जो पैदा हुआ है उसको किसी ने कत्ल कर रहा है, इन्फेंटिसाइड हुआ. कहीं पर बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, यहाँ से पता चला न्यूज़ से कि बहुत सारा इन्फेंटिसाइड हुआ, यानी कि बच्चों को जो पैदे हुए थे बच्चे उनको कत्ल कर दिया गया. नेक्स्ट होता है फिटिसाइड, किलिंग ऑफ एम्ब्रो. ये एक चीज़ है कि जब माँ के सिक में बच्चा रहता है, बाय द मेथड ऑफ एबॉर्शन, इसको एबॉर्शन भी कहते हैं, कि उसको मार दिया जाता है. किसी डॉक्टर खाने में जाइए, लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फेटिसाइड. ओके. नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड, किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप विथ प्लान के तहत किसी एक खास धर्म के लोगों को और एथनिक ग्रुप को कत्ल कर देना है जेनोसाइड. अगर किसी जगह हुआ है ऐसा प्लान के तहत तो आप कह सकते हैं कि हाँ जेनोसाइड हुआ है. नेक्स्ट है पेस्टिसाइड, ए सब्सटेंस यूज टू किल पेस्ट्स सच एज वन अनवांटेड हार्मफुल इंसेक्ट. वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए जो हम दवा डालते हैं केमिकल, उसको कहते हैं पेस्टिसाइड किया जाए जल्द. यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए हैं पेस्टिसाइड. नेक्स्ट है
नेक्स्ट होता है लिबर्टी साइड का माने किलिंग ऑफ लिबर्टी, हम अपने स्वतंत्रता को किल कर दे रहे हैं। हिंदुस्तान या किसी मुल्क का बात लिया जाए जहां पर स्वतंत्रता को किल किया गया, उसको कहते हैं लिबर्टी साइड। और है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट वो भी, ये वर्ड सिर्फ इंसेक्टिसाइड जो है पेस्टिसाइड के तरह है। इंसेक्टिसाइड यानी कि एक केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट। आप जैसा अभी दवा डालते हैं सब वो जो खटमल को मारने के लिए, और घर में जो कीड़े मकोड़े हुए उसको मारने के इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है, ये वर्ड देखिए पहले मैं कहा हूँ फिलिसाइड, फिलिसाइड सुसाइड, ये दोनों वर्ड को मिलाकर बनता है फिलिसाइड सुसाइड। इसका मतलब है वो शख्स जो अपने परिवार को पूरा मार दिया, मारने के बाद में खुद सुसाइड कर लिया, वो वहाँ पर उस मौका वारदात पर यह हुआ कि फिलिसाइड सुसाइड हुआ, वो मारने वाला भी खुद मर गया। नाउ आई होप दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स आप इंटरेस्टेड हुए होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लिहाजा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, फिर इंतज़ार कीजिए कि दूसरा वीडियो आपके पास में आ जाएगा। 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, 3 दिन शाम के वक्त में मेरा वीडियो मैं डालता हूँ, और आप इसे देखिए, इससे नॉलेज लीजिए और नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, खास करके स्टूडेंट के लिए है। थैंक्स ए लॉट।